पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द थर्ड एडिशन एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड या वेरी एक्साइटेड. जब हम दोनों को साथ में ऐसे रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है. ऑलमोस्ट यस. जैसे ही कुछ होगा हम आपको बता देंगे. थैंक यू सो मच. Yeah, we did everything. Wo award udhar hai. Award unke paas hai. Can you get that? He was holding the award. Silence, please. My silence. दरवाजा बंद करो भाई. यहाँ पर we won the award for the best jodi, the favorite jodi in a reality show. So thank you so much. Actually ab tak to sabko pata chal gaya hai ki we always coordinate. Yeah, we always try and coordinate things. Agar not twinning to maybe complementing each other. So ha, thoda dhyan rakhte ho. मेरे तो हो गए आई थिंक. जो आएगा उसके हिसाब से पता चल जाएगा. पता नहीं, अगर आ गया तो आपको पता चल जाएगा. आवाज बहुत ज्यादा. ऑनेस्टली वक्त नहीं मिल पाता है देखने का. हम जब शो शूट भी कर रहे थे तब भी वक्त नहीं मिल पा रहा था. एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस अभी वक्त नहीं है बिकॉज वी आर बिजी कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग और द अदर. सो इट्स डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द शो. बट आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट द शो इज डूइंग वेरी वेल एंड आई विश द शो ये और साल ऐसे देखे सक्सेसफुल. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बस रंग लगाएंगे होली खेलेंगे पता चल जाएगा. अभी ऐसे कुछ ऐसा कोई प्लान किया नहीं. ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई प्लान किया नहीं है कभी. अभी नहीं पता. आई थिंक एंड ऑफ दिस मंथ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25th. या सो थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. कम सेंटर में लुक सेंटर होता. थैंक यू ना
my god, that's like taking off every ragging. कैसे कुछ बताऊं मैं सबसे पहले तो हेलो एवरीवन हाय आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर एक्चुअली इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन और आज हम नेशनल फेम अवार्ड्स की सेलिब्रेशन में आए तो इट्स एन ऑनर एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड टू बी हियर आई एम नॉट नॉमिनेटेड बट या आई एम हियर टू चीयर ऑल माई फ्रेंड्स सबसे ही मिलके क्योंकि सब फ्रेंड्स हैं यहाँ पर तो सबको ही मिलके बहुत खुशी होती है और बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मैं हमेशा सब पुराने दोस्तों के साथ मिलके ये ना कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे सो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी होली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कितने सारे कलर्स होते हैं एंड आई एम अ वेरी कलरफुल पर्सन सो मुझे कलर्स का बड़ा शौक है सो या तो बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे सब फ्रेंड्स के साथ मस्ती होगी खूब सारी भांग वांग पी जाएगी लेट्स सी एज अ होली डे कम्स या इट विल बी अ गुड सेलिब्रेशन सो बट विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी होली एज वेल इन एडवांस या थैंक यू सो मच बहुत प्लान है उसके रिकॉर्ड मिलता रहे हमेशा और वो भी फ्रॉम द अमिशा अवार्ड मिलता रहे मुझे हमेशा वो भी गदर को की हीरोइन फ्रॉम वो भी फ्रॉम गदर को की हीरोइन माइक कर गए नहीं आवाज साउंड नहीं आ रहा है भाई आप देखिए ना आ रही आवाज आ रही कहो ना प्यार जी बेस्ट लवेबल कॉमेडियन देखिए पहली बात तो लवेबल कॉमेडियन के कैटेगरी में अवार्ड मिला है तो नेशनल फेम अवार्ड का धन्यवाद ऐसा लगे जैसे मुझे नेशनल फेम मिल गया है और अवार्ड जब मिलता है तो जोश और मौज आ जाती है वरना जोश और मौज तो हमको डाउनलोड करना पड़ता है तो बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी से एक फिल्म लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलोन एक डिप्रेशन की कहानी है आज के समाज में बहुत ज़रूरी है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही अवार्ड और रिवार्ड मिलते रहे हमेशा ऐसे ही अवार्ड और रिवार्ड मिलते रहे हमेशा फ्रॉम द हीरोइन ऑफ कहो ना प्यार और गदर टू अमीशा होली का प्लान तो ये है कि भगवान करे सबका जीवन रंग बिरंगी हो हर फैमिली इस होली में होली फैमिली हो जाए और प्यार के रंग से खेलो रे होली ये गाना सबके तरफ दिल में बजे और कलर्स चैनल ज़रूर देखें और मज़ा आएगा आपको और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के रंग में रंग जाए हंसते रहे हंसाते रहे होली के दिन एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहे हैप्पी होली लव यू ऑल थैंक यू वेरी मच आप सब जियो हजारों साल यही तो जैसे दुआ दे रहा सुनील पाल लव यू ऑल पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगी ब्रांड्स इम्पैक्ट का जिन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया है दिस इज़ फॉर द सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ कि अचानक से एक इन्फ्लुएंसर का टैग मिल गया है लेकिन आई थिंक एवरी न्यू थिंग इज़ वेलकम इन लाइफ
चेंज इज ऑलवेज वेलकम. हमेशा जब भी कुछ चेंज होता है तो उसे एक्सेप्ट करना और उसे उसे अच्छी तरह से निभाना, वो एक एक बहुत बड़ी बात होती है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गॉट दिस अवार्ड. एनी अवार्ड, नो अवार्ड इज बिग और स्मॉल, एनी अवार्ड इज ऑलवेज वेलकम. एंड थैंक यू सो मच. मैं कहना चाहूँगी सबको, मेरे फैंस को जो हमेशा हमारी रील्स को, हम मेरा जो भी कंटेंट है सोशल मीडिया पे, वो हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, बहुत प्यार देते हैं. सो विदाउट देम आई वुड बी कम्प्लीटली लॉस्ट एंड इनकम्प्लीट, आई वुड से. सो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी हु इज़ मेड दिस हैपन. का रहने वाला हूँ. मेरे सोशल मीडिया पर 22 लाख लोगों से ज़्यादा छात्र जुड़े हैं. मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं छात्रों पर जो अत्याचार होता है उनकी लड़ाई लड़ता हूँ. मैं निडरता से छात्र हित में मैंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं. ऐसे वर्ग जिन वर्गों का शोषण होता है वहाँ पर मैं लड़ता हूँ. तो आज ये सम्मान मैं मानता हूँ कि वो 22 लाख लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उनको समर्पित करता हूं. और आगे इस सम्मान के बाद आज से मुझे एक नई ऊर्जा मिली है. मेरा आगे प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं. वेल, आने वाले दिनों में क्या करते हैं आप, अलग नज़र आने वाले? आने वाले दिनों में हमारी शुरुआत रहेगी कि हम अभी तो मध्य प्रदेश में काम करते हैं, अब मुंबई में भी आज से हमने शुरुआत कर दी है. मुंबई में भी आज हजारों छात्र मुझसे जुड़ना चाहते हैं, छात्र शक्ति से जुड़ना चाहते हैं. तो मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे देश भर में हम काम करेंगे और छात्र शक्ति को जोड़ेंगे. फोटो खींच लो.